बैक टू माई चैनल इजी लर्निंग 100%। तो स्टूडेंट, मैं वर्कबुक का लेकर आ गई हूँ आइडेंटिफाइंग शेप्स। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें बिल्कुल क्लियर पिक्चर है, कोई डाउट नहीं है। आपको टेक्स्ट बुक में बहुत सारे डाउट्स मिलेंगे, जैसे कि शेप्स प्रॉपर नहीं वहाँ पे बने हैं, स्क्वायर दिया है तो रेक्टेंगल शेप्स दिए और स्क्वायर पूछा, तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। बट यहाँ पर पिक्चर्स आपको बिल्कुल क्लियर मिलेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफाइंग शेप्स। काउंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द गिवन शेप्स एंड राइट देयर नेम्स। ओके, आपको काउंट करने हैं ऑब्जेक्ट जो भी शेप दिया है और उसका नंबर काउंट करके लिखना है। देखिए, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर ट्राइंगल है और यहाँ पे रेक्टेंगल है। ओके, तो चलिए पहले हम लोग सर्कल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सर्कल बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। सो वन टू थ्री फोर। ओके, तो देखिए बिल्कुल क्लियर फोर पिक्चर आपको दी है। सो बहुत ही आसानी से आप ढूंढ लेंगे सर्कल फोर है। फिर स्क्वायर चलिए ढूंढते हैं। देखिए, जिसके सारे साइड्स इक्वल होंगे स्टूडेंट, वही स्क्वायर होगा। देखिए, इसके सारे साइड्स एक जैसे हैं, तो ये वन स्क्वायर मिल गया। ये भी सेम, सारे साइड्स इक्वल हैं, टू मिल गया। ये भी सारे साइड्स इक्वल हैं, थ्री मिल गया। ओके, सो हमारे ये तीन जो है स्क्वायर शेप हैं। अब है टर्न ट्रायंगल का। तो चलिए, ये सैंडविच देखिए, वन हो गया। फिर ये फ्लैग का टू हो गया। और कुछ दिख रहा है क्या? नो। तो आपके ट्रायंगल शेप्स हैं टू। अब है बारी रेक्टेंगल की। तो देखिए, यहाँ पे रेक्टेंगल है वन, रेक्टेंगल है टू और रेक्टेंगल है थ्री। ओके, सो रेक्टेंगल कितने हैं? थ्री। ओके, तो बहुत इजी है इसे ढूंढना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। राइट द नंबर ऑफ ईच शेप। ओके, आपको एक पिक्चर दी है यहाँ पे, और उसमें इस पिक्चर में कितने सर्कल शेप हैं, कितने स्क्वायर शेप हैं, कितने ट्रायंगल शेप हैं और कितने रेक्टेंगल शेप्स हैं, वो ढूंढ के लिखने हैं। तो चलिए पहले हम सर्कल से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये फेस पूरा दिख रहा है, ये हो गया वन। ये कान में जो पहना सर्कल शेप टू। फिर यहाँ पे जो है सर्कल शेप थ्री। सो वन हो गया, टू, थ्री, यहाँ पर भी है फोर। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको और कहीं नज़र आ रहा है क्या? आप प्रॉपरली देखिए उसको, नज़र आ रहे हैं? नहीं, मुझे तो सर्कल फोर ही नज़र आए। तो ये एक इसका ये फेस वन हो गया। देखिए यहाँ पे और कहीं भी सर्कल नहीं। ये टू हो गया, कान में जो पहना है दोनों, टू थ्री। ओके, ये थ्री हो गए। फिर ये जो है यहाँ पे फोर। ओके, तो कितने हैं सर्कल? फोर। ओके, चलिए अब स्क्वायर शेप देखते हैं। तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, देखिए ये दोनों आई स्क्वायर शेप है। सो ये वन हो गई, ये टू हो गया और कहाँ है ये इसका पेट जो है, टू थ्री हो गया। ओके, और कहीं दिख रहा है क्या? नो, ये सब तो रेक्टेंगल है। ओके, तो कितने हो गए स्क्वायर? वन टू, हाँ यहाँ पर भी है। देखिए ये नेक के पास है ना, स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगल यहाँ पर है, ये स्क्वायर है, ऑल साइड्स इक्वल दिख रहे हैं। ओके, ध्यान से हम देख लेते हैं। यस, स्क्वायर है। सो स्क्वायर कितने हो गए? वन टू थ्री फोर। ऑल राइट, सो स्क्वायर भी हमारे कितने हैं? फोर। ये भी हो गया हमारा वन टू थ्री फोर। ओके, चलिए अब ढूंढते हैं हम ट्रायंगल शेप। तो देखिए, ट्रायंगल वन, ट्रायंगल टू, ये नोस ट्रायंगल थ्री। अब यहाँ पे कहीं भी ट्रायंगल नहीं है। फिर ये फोर और ये फाइव, तो ट्रायंगल कितने हैं? फाइव। ओके, एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, वन टू थ्री बाजू में ही है, वन टू थ्री। ओके, थ्री हो गया, फिर ये फोर और ये फाइव, सो हो गया फाइव। अब रेक्टेंगल कितने हैं, चलिए काउंट करते हैं। वन टू थ्री, ये माउथ फोर और यहाँ पे तो कहीं नहीं है, हाथ फाइव, सिक्स और ये सेवन। ओके, तो रेक्टेंगल कितने हैं हमारे? सेवन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेवन। ठीक है, अब देखिए कुछ भी शेप छूटा है क्या? नहीं, ये भी हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है,
फिर ये भी हो गया है, ये सब हो गया है। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से रीचेक कर लेते हैं। सर्कल 1 2 3 4, फोर स्क्वायर 1 1 2, और कहाँ स्क्वायर बताया था मैंने, ये 3 और ये रहा 4, तो 4। अब ट्रायंगल देखते हैं, ये 1 2 3 लाइन से 1 2 3 और फिर 4 5 5 है, और फिर रेक्टेंगल 1 2 3 और ये 4, फिर ये 5, ये 6 और ये 7। ओके, तो सर्कल स्क्वायर 4 4, ये 5 और ये 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, कलर द डिज़ाइन विथ क्रेयॉन्स ऑफ योर चॉइस। आपको कलर करना है डिज़ाइन विथ क्रेयॉन से ऑफ योर चॉइस। आप अपने चॉइस से कोई भी कलर कर सकते हैं डिज़ाइन में, तो यहाँ पे आपको कलर करना है बस, और कुछ नहीं करना है। सो आप अपने मनपसंद का कलर कर दीजिए। वैसे होमवर्क में ही टीचर ये देती है स्कूल में, तो आपको इसमें अपने मनपसंद कलर करना है। ओके, तो यहाँ पे जो है आइडेंटिफाइंग शेप्स कंप्लीट होता है स्टूडेंट। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।